कल ना पकड़ के मेरी वीडियो डाली थी स्टार स्पोर्ट ने, कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी थी, जिसके वजह से मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई है। और जो मेरी मैच वाली वीडियो थी वो उठ गई, सबको ने लिंक वगैरह सेंड किए हुए थे तो सब कह रहे थे एक्सपायर हो गया लिंक, ये हो गया वो हो गया। जब मैंने स्टेटस पे भी लगा के बताया था सबको, जितनों को बता सकता था कि मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है जिसकी वजह से वीडियो मेरी ओपन नहीं हो रही, और ये स्ट्राइक मुझे भेजी है स्टार स्पोर्ट ने इंडिया से, उन्होंने मतलब ये क्रिकेट की वीडियो लगाई थी इसलिए उन्होंने स्ट्राइक भेज दी। आगे इसकी जगह पाकिस्तान हारा होता तो उन्होंने स्ट्राइक कभी नहीं भेजनी थी, इंडिया हारा तो उन्होंने पकड़ के स्ट्राइक भेज दी। तो फिर फौरन मुझे यूट्यूब की तरफ से तकरीबन 10-15 मिनट बाद स्ट्राइक रिसीव हुई है, एक स्ट्राइक आ गई, कॉपीराइट क्लेम भी उन्होंने स्ट्राइक भेजा है। खाली कॉपीराइट क्लेम भेजते तो कोई इशू नहीं था, वीडियो उठनी थी बस, लेकिन जब उन्होंने साथ स्ट्राइक भेज दिया ना तो मतलब कि अगर 3 स्ट्राइक पड़ जाए आपके चैनल पर तो आपका चैनल उठ जाता है, तो इसलिए उन्होंने एक स्ट्राइक भेजी है। तो बाद में मैंने ईमेल वगैरह भेजी है, मैं भी आपको अपनी यहाँ पे मोबाइल में भी शो करवा दूँगा कि क्या मुझे स्ट्राइक आई है। फिर आगे से मैंने उनको क्या मेल भेजी है, सारी मैंने उनको मेल भेजी है। फिर आगे से 30 सेकंड में मुझे उनका रिप्लाई आया, तो मैंने उनको कहा मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा, ये वो लाने जितनी भी पॉलिसी थी सारा मैंने लिख के भेजा। श्रीलंका में श्रीलंका जीते, जो इंडिया से जीता सेलिब्रेशन होगी भाई, देखते हैं हम ये भी वो वीडियो उड़वा सकते हैं, क्योंकि आज फिर इंडिया हार गया, आज फिर इंडिया की बंद हो गई है बकाया ये जो स्ट्राइक आई है। दूंगा ये पाक स्टार स्पोर्ट की तरफ से जो स्ट्राइक आई है, और ये उन्होंने शो किया है मेरी वीडियो पे कि आपसे मेरी वीडियो नहीं चला करेगी, ये सारा कुछ शो किया स्टार स्पोर्ट ने पकड़ के, ये स्ट्राइक आई है एक। इसके अलावा एक मॉर्निंग आई है मुझे, आगे 2 और आएगी तो मेरा चैनल उठ जाएगा, और सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ बाकायदा। ये मैंने उनको सारी मेल भेजी है पकड़ के यूट्यूब को, रात को बैठ के 1.5 घंटा लगा के सारे मेल भेजी है A to Z एड्रेस के साथ, ये भी मैंने मेल भेजी है पूरी उनको, ये साथ मैंने उनको सारे प्रूफ दिए कि किस तरह उन्होंने स्ट्राइक भेजी है, ये सारे उनको भेजे। फिर ये 30 सेकंड बाद मुझे यूट्यूब का मैसेज आया था कि इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे हम, उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है मेरे से कि आप के 1.5 घंटा लगा के सारे मेल भेज गए A to Z एड्रेस के साथ, ये भी मैंने मेल भेजी है पूरी उनको, ये साथ मैंने उनको सारे प्रूफ दिए कि किस तरह उन्होंने स्ट्राइक भेजी है, ये सारे उनको भेजे। फिर ये 30 सेकंड बाद मुझे यूट्यूब का मैसेज आया था कि इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे हम, उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है मेरे से कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे हम स्टार स्पोर्ट के खिलाफ, अगर तो इन्होंने मतलब कि ये आपके साथ ज्यादती किया है गलत भेजी है तो इनके खिलाफ एक्शन भी होगा, बेशक उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर उन्होंने गलत किया उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, और आगे मैं राइट भी हूँगा अपने, क्योंकि भाई मैंने तो कॉपी नहीं की, मैं उनका कंटेंट कैसे कॉपी कर सकता हूँ, उनका एक क्रिकेट का चैनल है और हम सारे दोस्त बैठे हैं मैच देख रहे हैं, मैच को ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कॉपीराइट क्लेम भेज दिया है, इसमें हम उनकी कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो अगर हम राइट पे होंगे तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, हमारी वीडियो भी वापस आ जाएगी, स्ट्राइक भी रिमूव हो जाएगी, इसकी वजह से मेरी वीडियोज़ उन्होंने कुछ पकड़ के उड़ा दी हैं, जिसमें पाकिस्तान हारा था वो वाला व्लॉग मैंने बनाया था, वो भी हमने सबने बैठ के देखा था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब इंडिया हारा है तो उन्होंने पकड़ के स्ट्राइक के भेज दी, मेरे पे भी भेजी, उसके अलावा डकी पे भी भेजी थी जो उसने पिछले दिनों मैच की वीडियो लगाई थी, वही मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। सारा का सारा कंटेंट, एक एक चीज मेरे अपने फोन से रिकॉर्ड हुई है, एक एक अल्फाज मेरे अभी जो है घंटा पहले उस पे स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने जो है कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दी है और मेरी वीडियो जो है वो उड़ गई है। और कल एक और यूट्यूबर ने वीडियो लगाई थी मैच की, उस पे भी स्टार स्पोर्ट ने बढ़कर स्ट्राइक भेज दी, उसने भी इंडिया के हारने में मैच लगाई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मुबीन उल हक के बारे में, रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का व्लॉग अपलोड किया था अपने चैनल पर, तो अभी आप उस वीडियो को ओपन करने की कोशिश करते हो तो सामने कुछ ऐसा लिखा आ जाता है, वीडियो अनअवेलेबल, दिस वीडियो कंटेन्स कॉन्टेंट फ्रॉम स्टार स्पोर्ट्स हु हैज ब्लॉक्ड इट, मतलब सेम वही सीन हुआ जो कि पहले डकी भाई के साथ हो चुका है। फिर इंडिया हार गए, देखते हैं आज ये कितने पे स्ट्राइक लगाते हैं, तो इसी तरह अब देखते हैं क्या बनता है आगे। तो मेरी क्या बताइए, ये भी वीडियो उड़ा दें, कोई टेंशन नहीं, वीडियो उड़ाने की कोई टेंशन नहीं है,
इसके अलावा कोई पीटीवी स्पोर्ट या कोई स्ट्राइक भेजते तो हम मतलब कि सह लेते, लेकिन वो इंडियन वाले हैं वो हमारे स्ट्राइक भेजना तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान जीती है तो पाकिस्तान तो कभी भी नहीं इंडिया के मतलब के लोगों को स्ट्राइक भेजते, फिर इनका क्या दुख बनता है हमें स्ट्राइक भेजने का। तो इसलिए हम एक्शन लिया, देखो क्या बनता है। तो इसलिए आप सपोर्ट करें और ये वीडियो को देखें, पता नहीं आपके तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, फिर तो नहीं कोई स्ट्राइक मार देते बगैर देखते हैं। और न्यूज़ एक मिल गई है कि इंडिया के दोबारा अंदर हो गया, इंडिया दोबारा हार गया श्रीलंका से, और मुझे लग रहा है इंडिया बाहर ही हो जाएगी। क्यों जाम बाहर हो जाएगी भाई जान? जरूरी बाहर होगी इंडिया, क्योंकि अब अफगानिस्तान से मैच इतना ज़रूरी है, और इंडिया को अब ये होगी कि जो टॉप टीम होगी टेबल की फोर टीमों में से जो टॉप टीम होगी वो टीम गंदे मार्जिन से हरे पाकिस्तान से। फर्ज करें कि श्रीलंका अब टॉप पे चली गई है, ठीक है, अब कल मैच है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर पाकिस्तान को सिर्फ साथे से जीतना है और फाइनल के अंदर जाना है, ठीक है, पाकिस्तान जिस तरह मर्जी अफगानिस्तान से जीते पाकिस्तान फाइनल के अंदर जाता है। अब मसला बनेगा इंडिया और अफगानिस्तान के मैच का, अगर इंडिया अफगानिस्तान को गंदे मार्जिन से हराती है, कम से कम 80 स्कोर के मार्जिन से हराती है, तो फिर इंडिया अंदर आती है, नहीं तो नहीं आती। और अगर इंडिया पाकिस्तान से अफगानिस्तान जीत जाती फिर ये होगा, अगर अफगानिस्तान भी निकल जाएगी अगर पाकिस्तान भी निकल जाए फिर ये होगा कि पाकिस्तान को श्रीलंका से मैच जीतना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, ये भी न्यूज़ बड़ी हैप्पी है, इंडिया के अंदर हो गया। खैर बगैर पूरा एशिया कप देखेंगे, व्यूज बनाते रहेंगे, ये वीडियो उठाते हैं हमारी उठाने दे, खैर है यार, खैर है, स्ट्राइके भेजते रहे भाई, इनकी फट रही है, इनके अंदर हो रहा है, मैच हड़ी जा रहे हैं, स्ट्राइके भेजी जा रहे हैं। अब हमने एक्शन ले लिया, दो तीन दिन में हम इंडिया वो यूट्यूब टीम रिपोर्ट हमें करते हैं कि हमारा चैनल उठा है कि नहीं उठा, क्या करना क्या नहीं करना। खैर जो भी होगा देखी जाएगी।